हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग सभी को। और मैं यहाँ पे किचन में ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। चाय मैंने बना लिया है। यहाँ पे मैं कुछ ब्रेड तल रही थी। गैस थोड़ा तेज़ हो गया तो एक ब्रेड जल गया, जिसकी वजह से दूसरे ब्रेड में भी थोड़ी सी जलन सी आ गई थी, तो उसे हमने खाया भी नहीं था। और उसे मैं बाद में यूज़ कर लूँगी, देखूँगी किस चीज़ में। तो यहाँ पे मैं सिर्फ ब्रेड इसलिए तल रही हूँ क्योंकि मेरे पास चाशनी थी मिठाई की, तो इसके ऊपर मुझे चाशनी डालनी थी। बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल जलेबी जैसा टेस्ट आता है। अगर आप ब्रेड को तल के उसमें चाशनी डाल के खाते हैं तो बिल्कुल आपको सेम टू सेम जलेबी का टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे मेरे पास ये वाली मिठाई पड़ी थी, रसगुल्ले जिसको बोलते हैं, छोटे वाले। और मैं यहाँ पे आधा कटोरी दही ले रही हूँ, उसमें थोड़ा पानी मिलाया है और 3 रसगुल्ले डाले हैं। और रसगुल्ले की जितनी भी चाशनी थी वो मिक्स कर दिया है, लाल मिर्च डाल दी है और जीरा भून के जीरा पाउडर डाल दूंगी। और चीनी डालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मैंने यहाँ पे चाशनी मिक्स कर दी है। तो ये बहुत ही टेस्टी दही वाला मिठाई बन के रेडी हो जाता है। मैं फेस्टिवल में अक्सर ये वाली मिठाई बनाती हूँ। मेरे घर में सबको ये वाली मिठाई बहुत पसंद है, इनफैक्ट मुझे भी बहुत पसंद है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं जा रही हूँ बनाने थोड़े से फ्राइड राइस, और ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, थोड़े से बनाऊँगी। और आज मैंने ये NYV की लिपस्टिक लगाई है पर्पल से, जो कि बहुत ही प्रिटी है, लाइट कलर है। तो आप लोग, कुछ लोग मुझे बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा लिपस्टिक, ओवर लिपस्टिक लग रही है। एक्चुअली वो मेकअप वीडियो था तो थोड़ा सा ओवर तो बनता ही है गाइस। और आज मैं रेडी हो गई हूँ और मैंने अभी कुकर चढ़ाया है, थोड़ा सा चावल फ्राई कर रही हूँ और चटनी के साथ खाऊंगी, क्योंकि टमाटर की चटनी है ना, उसी के साथ खाऊंगी। और मेरी एक बात और मैं मुझे बोलनी है, मेरी नाइट रूटीन वाली वीडियो पे मैंने पूजा को जवाब दे दिया था कि उसने मुझे इतने प्यार से, बेचारी ने मुझे बोला था कि दीदी पानी वेस्ट मत करो। तो आप लोगों को 2 मिनट वहाँ पे जो वीडियो थी उसमें आपको मतलब गलत फहमी हो गई। एक्चुअली निशु ना बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था और उसे एक एक चींटे से बहुत ज़्यादा डर लगता है। और घर में बारिश की वजह से बहुत सारे चींटे चींटे हो गए थे, तो वो ज़मीन में भी पैर नहीं रखता है। तो मैंने उसको धुलाने के लिए नल खोला, हाथ धोने के लिए, आप मतलब वो वीडियो तो मैंने कट कर दिया क्योंकि मैं उस वीडियो में डांट रही थी, मैं हर चीज़ नहीं दिखा सकती हूँ। और नल 2 सेकंड के लिए बंद करना भूल गई थी। तो यार मतलब उनको मैंने हार्ड भी दिया है और लाइक भी किया है। उन्होंने मुझे इतना बुरा बोला कि आपने मतलब आप पानी इतना वेस्ट कर रहे हो, फ्यूचर में हम सबको पानी की कमी हो जाएगी। मतलब मैं 2 मिनट की मेरे पानी से और इन फ्यूचर तक पहुंच गए आपको कि आपको पानी की कमी होगी। मतलब लोग अपने नल खोल के पाइप लगा के बच्चों को घंटे घंटे नहलाते हैं और तब पानी मतलब फ्यूचर में पानी नहीं खत्म होगा, सिर्फ एक मेरे 2 मिनट के पानी से आपका फ्यूचर में पानी खत्म हो जाएगा। यार कॉमन सेंस लगाओ यार, बच्चा है, बच्चा परेशान कर रहा था तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। तो मैंने आपको फिर भी लाइक भी किया है, आपको हार्ड भी दिया है, लेकिन कमेंट्स अगर आप ऐसा करते थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता। मैंने पूजा ने भी मुझे बोला था, लेकिन बहुत अच्छे से बोला था, मैंने पूजा को बहुत अच्छे से रिप्लाई किया, उसने दोबारा मुझे कुछ नहीं बोला, लेकिन आपने यहाँ तक कि मुझे बोल दिया कि फ्यूचर में पानी की कमी हो जाएगी, हम जैसे लोगों की वजह से फ्यूचर में पानी की कमी हो सकती है। तो यार हमारे जैसे लोगों की वजह से फ्यूचर में पानी कमी कैसे हो सकती है, ऐसा बैड कमेंट्स मत करो। तो चलो मैं बनाती हूँ चावल, मैंने रख दिया है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जीरा भून के रखा है और चौके पे घिसा है मैंने, तो चौका गंदा मत समझना। तो चलो दिखाती हूँ मैंने आज क्या वेयर किया है। बहुत एक्चुअली मेरे पास कम से कम 150 से भी ज़्यादा कुर्तियाँ हैं अभी मेरे पास। मतलब मैं सिर्फ एक मोटा मोटा बता रही हूँ, उससे भी ज़्यादा हो सकती है। तो उन सब कुर्तियों में से एक मैंने चॉइस करके निकाला है, ये वाला, कल इससे भी प्यारा पहनूंगी। तो मैंने इसको कैसे स्टाइलिश किया है, आप लोग भी देखो, मेरा कॉलर भी अंदर चला गया है। तो ये मेरी एक लॉन्ग 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 कुर्ती है और मैंने तेल और प्याज डाल दिया है। फिर आप मत बोलना कि गैस वेस्ट कर रहा है, कि प्याज लाल हो रहा है, उसके बाद ही उसमें कोई चीज़ जाएगी। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये एक मेरी लॉन्ग कुर्ती है जो कि मुझे बहुत पसंद है और इसमें ना बहुत सारे लेटर्स लिखे हुए हैं, तो ये मेरा बहुत फेवरेट है कुर्ती में। और मैंने इसको प्लाजो पैंट के साथ वेयर किया है जो कि नेट का है। तो चलो मैं दिखाती हूँ आपको। तो इस तरीके से ये काफ़ी लॉन्ग कुर्ती है मेरा, और नीचे इस तरीके से स्टाइलिश स्टाइल बना हुआ है।
और यहाँ पे लेस लगा हुआ है और ये बहुत ज्यादा लॉन्ग है, बहुत ज्यादा मतलब नीचे तक आता है। और इसको मैंने वेयर किया है अपने नेक प्लाजो के साथ, ये वाला। और इसके साथ मैं पहले लेगी वेयर करती थी, लेकिन आज मैंने इसको प्लाजो के साथ वेयर किया है और काफी स्टाइल किया है। तो अगर आप फेस्टिवल के लिए नया बहुत कुछ सोच रहे हो शॉपिंग करने की और बजट भी नहीं है, प्रॉब्लम है, तो अपने किसी भी पुरानी कुर्ती को निकालिए, मतलब ज़्यादा पुरानी नहीं, घिसी पिटी नहीं, और जैसे कम पहनी हुई अपनी कुर्ती को निकालिए, उसे स्टाइलिश स्टाइल बनाइए और कुछ उसमें लेसेस वगैरह इंक्लूड कर लीजिए, पोम पोम जो है लटकन वगैरह लगा लीजिए, पोम पोम लगा लीजिए, तो उससे वो क्या है ना एक स्टाइल बन जाएगा। तो चलिए पहले मैं अपने चार बना लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से बात करती हूँ। बाय। हुआ तो कुछ नहीं भाई, तुम इसको ये कहाँ से लेकर आए हो? मुझे पता है कहाँ गया। चार्जर उधर है, ये लो। तो ना यहाँ पे थोड़ी स्विच की प्रॉब्लम चल रही है, स्विच टीवी के पास कोई स्विच नहीं दिया ना, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है। तो देखो इसको इसको ना स्विच बोर्ड चाहिए था, देखो फोन चार्ज करेगा। और अभी चद्दर और कुछ कपड़े निकाल के रखे हैं धोने के लिए, क्योंकि बाहर हो रहा है बारिश। सो गाइस लाइट जला देती हूँ, फिर बात करती हूँ। तो कपड़े धो दिए मैंने बहुत सारे, तो यहाँ पे दरवाजे पे डाल दिया है, क्योंकि बाहर बिल्कुल भी कपड़े जितने, क्योंकि ये मेरे कपड़े मशीन में ऑलरेडी सूख चुके होते हैं, मेरे जो मशीन है ना तो वो कपड़े पूरा सुखा के देता है। हल्का सा हवा चाहिए तो पंखा चालू करने पे ये मतलब आधे घंटे से पहले पहले सूख जाएगा। तो आज पूरे घर में झाड़ू पोछा सब कर दिया है। वहाँ पे आपको कुछ पहला दिख रहा होगा ना, तो उनको ना मैं सेट कर रही हूँ। अब आप सोचोगे क्या सेट कर रही हूँ, जैसे पिलास हो गया, स्विच बोर्ड हो गया, टेप हो गया और इंची टेप हो गया, बहुत सारी मेरी चीज़ें जो है ना मुझे नहीं मिलती थी, तो उनका आज सेटलमेंट कर रही हूँ। ये वाला रूम पूरा खाली कर रही हूँ, आधे से ज़्यादा खाली हो चुका है। अब जो थैले हैं उनको चेक कर रही हूँ, जैसे ग्लू स्टिक वगैरह हो गया, मुझे ईजी DIY करने में प्रॉब्लम ना हो तो इसलिए। और यहाँ पे नहा धो के भगवान जी की पूजा कर ली है और एक मिठाई खा ली है मैंने। इन लोगों को नाश्ता दे दिया था, ये एक्चुअली काम था, तो जब मुझे ज़्यादा काम होता है ना तो मैं उस चीज़ को ना बिल्कुल भी नहीं दिखा पाती हूँ। और अभी सिर्फ और सिर्फ अपने लिए फ्राइड राइस बना रही हूँ, दिखाती हूँ आपको। और आज मैंने ये वेयर किया है और ये देखो मैंने कुछ जो पहने थे ना इन दो दिनों के अंदर इनको निकाल के रखा है और मैंने यहाँ पे सेटलमेंट कर दिया है। अच्छा था, तो मैं हाथ धोकर आ गई हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कैसे अपने कपड़े सेट किए हैं, ठीक है। और सबसे पहले सेक्शन में मैंने यहाँ पे मतलब हैंगर सारे यूज़ कर लिए मैंने, तो साड़ी टांगी है, बाकी ये मेरे कुछ प्लाजो पैंट्स है, लेगी है, और यहाँ पे कम से कम 8 से 10 लेगी है, और यहाँ पे कुछ मेरे वन पीसेस हैं इस तरीके से, और ये मेरी कुछ जींसेज है, कार्गो पैंट है, इसका भी मैंने धोने के लिए निकाला हुआ है।
अगेन ये पूरा लेगी का कलेक्शन है, पूरा इस वाले हैंगर में पूरा लेगी ही लेगी है, मतलब हर तरह के लेगिंग है, प्रिंट वाले, प्लेन, कलर्ड वाले सब। और उसके बाद इस वाले में मेरे जीन्स है, डिज़ाइनर जीन्स वगैरह है सब। मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ, ईजी रहेगा। तो इसमें मेरे कुछ स्टाइलिश जीन्स है, जैसे ये जो नए सब चल रहे थे, इसमें भी कम से कम मेरे 8 से 10 जीन्सेज हैं। और ये जैसे वर्क वाले हैं, और स्कर्ट भी है, और डिज़ाइनर लेगी पैंट है, और ये सारे मेरे वर्क वाले जीन्स हैं, मतलब इसमें कम से, और एक ये कार्गो पैंट है, ये भी पैंट है, और ये भी पैंट है। मेरे पास जितनी भी चीज़ें होती है मोस्टली एक पीस, एक डिज़ाइन के 2 या 3 होते हैं। ये वाली पैंट जो है ना, इसमें भी मेरे पास 2 है, और एक धुलने के लिए डाली है। तो यहाँ पे मैंने रखा है अपने और भी जींसेस, और ये मेरा डांगरी है, सॉरी आपको दिख नहीं रहा, ये मेरा डांगरी है, ये मेरे कुछ जींसेस है, और ये मेरा वन पीस है, गाउन है, वाइट शॉर्ट है, और नीचे जो है ना मेरी साड़ियाँ हैं, और यहाँ पे कुछ मेरे टॉप है, ये इस तरीके से प्रिंटेड, ये भी एक मेरा गाउन है। और ये पूरा बास्केट में मैंने अपने सारे जितने भी ब्रा पेंटी के आइटम होते हैं ना, सारे जितने भी स्टाइलिश, डिज़ाइनर और फैंसी जितने भी है ना, सब सब इसमें पूरा भर दिया, नए पुराने सारे पीसेस सारे। इसमें नाइटी भी है, मतलब हर तरह के इसमें मेरे आपको यही मिलेंगे। ये पूरी टोकरी जो है ना ऊपर तक भर गई है पूरी टोकरी। और यहाँ पे है कुछ मेरे डिज़ाइनर नए कलेक्शन टॉप के, तो वो इस तरीके से पूरा मैंने नीचे तक ऑर्गेनाइज करके रखा, देख सकते हैं, जिनके टैग भी अभी तक हटे नहीं है सारे, मतलब मेरे जितने एक्सपेंसिव टॉप है कलेक्शन है, तो सब इस तरीके से मैंने यहाँ पे अभी रखा हुआ है। और यहाँ पे भी मेरे वन पीसेज हैं सारे, ये वन पीसेज और सारे ड्रेसेज हैं, फैंसी ड्रेसेज हैं, तो इस तरीके से जितने नए कलेक्शन हैं सारे हैं। और यहाँ पे मेरे कुछ स्टाइलिश सलवार हैं जो कि बहुत सारे कलर के हैं, और 2 नाइट टॉप ही यहाँ पे मैंने रख दिया है। तो ये मेरे सारे स्टाइलिश सलवार हैं, मतलब इसमें कम से कम 8 कलर हैं। और इस तरीके से मेरे फैंसी टॉप वगैरह है, वन पीसेज है, जितने भी डिज़ाइनर हैं जैसे इस तरीके से सारे, तो यहाँ पे मैंने रख दिया है। ये मेरा एक जम सूट है जो कि डिज़ाइनर जम सूट है, ये वाला आप लोगों ने कई बार वीडियो में पहने हुए, ऐसे आपको दिख नहीं रहा है, हैंगर के अंदर भी लगे हुए हैं, देख सकते हैं कई कई सारे पैंटी लगी हुई हैं। और ये वाला जो हैंगर है ना, इसमें मेरे सारे जितने भी जैकेट है ना, जैकेट, श्रग जैकेट सब इसमें है, जैसे जीन्स वाले सारे, मतलब इसमें मैंने लगा दिया है। और इसमें मेरे प्लाजो पैंट है, ये वाला लगी आप देख रहे हो ना, इसमें भी मेरे पास 3 पीसेज है, आपको ये दिख रहा है एक पीसेज, और दूसरा वाला पीसेज ये रहा, आई होप कि आपको दिख रहा होगा, ये रहा दिखा। और यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मेरे कुछ लॉन्ग श्रग हैं, और वन पीस है, और ये मेरा एक डिज़ाइनर टॉप है जो कि मुझे बहुत प्यारा लगता, पार्टी वियर टॉप है, और ये मेरा वन पीसेज है, लो जी लो जी लो जी गिर गया। तो ये पिंक वाला मैंने अपने एनिवर्सरी पे पहना था, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। तो ये मेरा कुछ स्टाइलिश टॉप है, इस तरीके से अभी मैंने फ़िलहाल रखा है, और ये कुछ मैंने पहना था तो इनको मैंने धोने के लिए डाल दिया है इस तरीके से, ये मेरे रेगुलर ये निक्कर वगैरह है। तो चलो इनको फ़िलहाल करते हैं बंद, उसके बाद मैं आती हूँ इस वाले कमरे में। तो यहाँ पे भी मैं काफ़ी सेटिंग कर रही हूँ, तो यहाँ पे भी ये मैंने कुछ अपने डिज़ाइनर कपड़े जो है निकाले हुए हैं, आई होप कि आपको अच्छे से दिख रहा हो। तो चलो मैं दिखाई देती हूँ, तो इस तरीके से है, ये मेरा एक प्लाजो पैंट है, ये अगेन सेम कलर का टॉप है, और ये वाइट कलर का टॉप है, और ये मेरा इस कुर्ती का लेगी है, और ये मेरा एक वन पीसेज है येलो कलर का, और ये मेरा एक बहुत ही एक्सपेंसिव वाला पैंट है, बहुत महंगा है। तो अभी फ़िलहाल मैंने इनको यहीं पे रखा है, कहाँ पे रखना है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो ये मेरे काफ़ी डिज़ाइनर कपड़े जो हैं, एक्सपेंसिव कपड़े हैं अभी, जैसे ये टॉप वगैरह है पार्टी वेयर, तो अभी कोई पार्टी वगैरह हो नहीं रही है, कहीं जाना नहीं है, कहीं आना नहीं है। ये मेरा एक ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था, ये काफ़ी मुझे महंगा पड़ा था, ये मेरा एक नाइट सूट है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा सेक्सी एंड बोल्ड है। तो ये मेरा एक सूट है, लॉन्ग जैसा ये है ना वैसा, ये सेम नेट के पैटर्न में है, इस तरीके से काफ़ी लॉन्ग है,
एक्चुअली मेरे पास जो है जीन्स और ये मैं ज़रूर रखती हूँ, ये मेरे पास बहुत ही महंगे महंगे हैं। ये पैड ना होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फॉर्म पैड है। तो इससे क्या होता है, आप अगर डीप गला का ब्लाउज़ पहन रहे हैं तो उसमें आपको ना इजी हो जाता है। और ये मेरे कुछ रेगुलर के जो है ना टॉप है, लेगी है, एक मेरा जीन्स यहाँ पर भी पड़ा हुआ है। तो ये मेरे थोड़े से एक्सपेंसिव हैं और ये सब टॉप वगैरह देख सकते हैं, अभी तक आप लोगों ने ब्लॉग में देखा भी नहीं होगा। तो ये देख सकते, यहाँ पे रखा हुआ है, इनका सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं, ये भी मेरा टॉप है इस तरीके से, ये मेरा एक हाफ जंप सूट है। तो ये वाला भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये वाला भी मेरा बाहर का है लेकिन पहनने का भी कोई ऑप्शन नहीं है गाइस। तो नेक्स्ट आते हैं, ये एक मैंने कुर्ती है जो प्रेस करके रखी थी, तो पहले मैं इसको वेयर करने वाली थी स्कर्ट के साथ, ब्लू वाले स्कर्ट के साथ, बट नहीं किया मैंने। इट्स रीज़न कि ये मुझे थोड़ा सा टाइट हो गया है, पता नहीं कैसे, मुझे पता नहीं है। तो यहाँ पर मैंने सारी अपनी कुर्तियाँ और जो ये पजामे वगैरह हैं, ये कई सारी कुर्तियां हैं, ये मेरा एक ख़राब हो गया है, ये नेट का था, वन पीस था, बट ये फट गया है। और यहाँ पे मैंने सारे दुपट्टे और सलवार कमीज जितने भी महंगे हैं ये देख सकते हैं, ये सारे फंक्शन में पहनने वाले हैं। तो ना मैंने अभी इसी में ऐसे ही फोल्ड कर करके ना भर के रख दिया। एक मेरा ये भी सूट है और येलो वाला, आप लोगों ने ब्लॉग में देखा ही होगा। और ऊपर मैंने रख दिया है ब्लाउज और कुछ सूट, ये सब सारे सूट जो है ना सारे मैंने यहीं पे भर दिए हैं। और मेरी सांसें फूल रही है। और ये मैंने प्रेस किया था अपने हेयर को, तो मेरा एक ख़राब हो गया है। इसमें क्या है, ये मेरा मशीन जो है सही करा लिया है मैंने इसको, और इसमें मेरे बहुत सारे बेल्ट्स हैं और बहुत ज़्यादा बेल्ट्स हैं इसमें, तो इन्होंने सब ना ऐसे भर के रख दिया है। तो वायर वगैरह सब ना एक साथ ही भर दिया है। बेल्ट मेरा इसमें ना बेल्ट के कलेक्शन थे और कम से कम आप देख सकते हो कि 200 पीसेस बेल्ट होंगे मेरे पास, अभी फ़िलहाल 200 बेल्ट ही बचे हैं। तो अभी इन्होंने ऐसे भर के रख दिया है। तो नीचे वाले सेक्शन में आते हैं, चलो मैं आपको ये भी एक्सप्लोर कर ही देती हूँ कि मैंने क्या रखा है, कैसे रखा है, अदरवाइज़ आप बोलोगे कि दीदी आपने ये नहीं दिखाया। तो गाइस माइंड मत करना, एक्चुअली मुझे जो जगह, मैंने उस दिन आपको वीडियो में बताई थी कि मुझे जो फ़िलहाल जगह मिल रही थी मैं वैसी रख रही थी। तो यहाँ पे भी मेरे कुछ एक्सपेंसिव कलेक्शन है और ये क्या, ये लॉन्ग सारे जो है ना कुर्तियाँ हैं और रेगुलर के। तो और देखो मेरे यहाँ पे भी ना एक्सपेंसिव पैंट यहाँ पे भी इन्होंने रख दिया है। और ये सारे मतलब जितने भी लॉन्ग ड्रेसेस होते हैं ना वो सारे यहीं पे, श्रग टॉप ये सब। तो ये मेरे लोअर हैं काफ़ी, ये जारा के हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव है। और ये मेरी जो है कलर्ड वाली स्पैगेटी है और स्कर्ट पैंट वगैरह कुछ और लेगी इस तरीके से यहाँ पे भी इन्होंने रख दिया है, मैंने भी रखा है इस मतलब ये देख सकते हैं। एक मेरा जो है क्रॉप टॉप है जो कि डिज़ाइनर क्रॉप टॉप है ये वाला। और यहाँ पे क्या रखा है, यहाँ पे भी मतलब प्लाजो पैंट्स वगैरह, ये मेरे जो फ्रॉक होते हैं ना वन पीसेस, ये टॉप वगैरह मतलब पूरा नीचे तक है। वो अभी मैं आपको मतलब पूरा डिटेल नहीं दिखा सकती हूँ, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में पूरा दिखाऊंगी, अभी तो फ़िलहाल नहीं दिखा सकती हूँ। अभी फ़िलहाल आप इतना देख लो कि मैंने इसी तरीके से जो मुझे स्पेस मिलते गया था तो मैंने ऑर्गेनाइज कर दिया था। तो गाइस मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरा आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। यहाँ पर देखो ब्लाउज का ना मुझे अलग बनाना था लेकिन इसी में मिक्स एंड मैच हो गया सारा। तो मैं ब्लाउज़ को सारे ना एक जगह पे रखने वाली हूँ, बट अभी सेटलमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है। तो मुझे प्लीज़ आप लोग सजेशन बता देना कि कहाँ पे क्या रखना है। ये पूरा एरिया मैंने वॉश किया है, ये पूरा एरिया मैंने धो के सुखाया है और इस तरीके से किचन भी पूरा क्लीन किया है, मतलब साफ़ सफाई मैंने पूरी क्लीन कर दी है। और ये वाले कपड़े ना
अभी बारिश हो रही इसलिए बाहर मेरा मशीन है तो नहीं लगाया, यहाँ पे निशु बैठ के खेल रहा। निशु से हाय बेटा। देखो तो यहाँ पे पूरा प्रॉपर नीट एंड क्लीन है, सब कुछ सेटअप है। और चलो मिलती हूँ थोड़ी देर में आप सभी से। बाय बाय।